नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मुझे एक्चुअल में शुरू करना था DSLR फोटोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स, बट मुझे इतने सवाल आए हैं कि M31S से जो जो मैंने पिक्चर्स क्लिक किए हैं वो मैं शो करूं यूट्यूब के एक वीडियो में। तो आज का वीडियो मैं डेडिकेट करता हूं कि M31S या जनरली मोबाइल फ़ोन से आप मैजिक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने इस वाले फ़ोन से M31S से क्रिएट किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, बट आप किसी भी मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोज़ दिखा देता हूं आपको फटाफट कि मैंने पिक्चर्स क्या क्या क्लिक किए हैं जब से मैंने ये फ़ोन लिया है तब से, और यू वुड अंडरस्टैंड बेटर कि कैसे जो है ये सारा जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं। अब ये सारी जो पिक्चर्स हैं मैंने Adobe Lightroom में एडिट की हुई हैं, तो एडिटिंग के भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं कि मैं एडिट अपने पिक्चर्स किस तरह से करता हूं। बिकॉज फोटोग्राफी एक चीज़ होती है और एडिटिंग जो है उस चीज़ को और संवारती है। अब एडिटिंग में भी आप ओवरडू कर देते हैं, कई बार आपने पिक्चर्स देखी होंगी एकदम अनरियल लगती हैं, कलर्स ज़्यादा सैचुरेटेड लगते हैं या एक्सपोजर एकदम ओवर द टॉप होता है, तो वो सब चीज़ें जो है ओवरडू अगर आप एडिटिंग करें तो वो चीज़ें ख़राब करती हैं चीज़ों को। बट मैं जनरली एडिटिंग बहुत मिनिमल रखता हूँ। मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि जो मैं नज़रों से देख रहा हूँ सब्जेक्ट को, वैसे ही जो एडिट करने के बाद मैं उस चीज़ को उस तरह से पोर्ट्रे कर सकूँ। तो ये पिक्चर सबसे पहली जो है मैंने फ़ोन लेने के बाद, मैं इंडिया गेट चला गया था और मैंने क्लिक करी थी। ये इंडिया गेट की फ़ोटोग्राफ है दोस्तों, 64 मेगापिक्सल मोड में मैंने क्लिक किया था, तो आप डिटेल भी यहाँ ऑफ कोर्स देख सकते हैं। स्काई इज़ ब्यूटीफुली ब्लू। उसके बाद एक दोस्त की मोटरसाइकिल आई थी, तो आप लोगों ने शायद ये फ़ोटोज़ मेरी देखी होंगी कम्युनिटी वाले टैब में या इंस्टाग्राम स्टोरी पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नीचे लिंक आ रहा है, उस पर अभी के अभी जाइए और फॉलो कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी सारे जो है फ़ोटोज़ और स्टोरीज़ और वीडियोज़ फ़ोन के स्पेसिफ़िकली मैं स्टोरीज़ में डालता रहता हूँ। तो ये सारी जो पिक्चर हैं बाइक की, ये मैंने ली थी M31S से। तो आप देख सकते हैं कि डिटेल में कोई कमी नहीं है और कलर्स में कोई कमी नहीं है। वो कैसा क्यों ऐसा है मैं अभी आपको बता देता हूं। बट ये बारिश की पिक्चर है दोस्तों, लाइव व्यू मोड में लिया था और देखिए बूंद जो है पानी की वो भी दिख रही है क्लियरली। ये कॉफ़ी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूं कॉफ़ी का, ब्लू टोकाई कॉफ़ी है उस कॉफ़ी शॉप का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। और मोबाइल फ़ोन से क्लिक की हुई फ़ोटो कितनी सुंदर लग सकती है आप देखिए, अंदर कॉफ़ी शॉप के लाइट थोड़ी सी कम होती है, मैंने क्लिक करी थी, बट कितना शार्प और कितनी वाइब्रेंट इमेज है आप देख सकते हैं। और भी काफ़ी इमेजेस है, ये आपने देखी होगी ऑलरेडी, मैक्रो मोड में मैंने क्लिक किया था। मैक्रो मोड का ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं जाके। ऑल्सो ये भी बहुत खूबसूरत है, क्लोजअप मोड में मैंने मैक्रो मोड में फ़ोटोज़ ली हुई है, तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं। ये एक पोर्ट्रेट है दोस्त की, बोके लाइव व्यू मोड में लिया हुआ है, आप बोके देख सकते हैं पीछे कितनी खूबसूरती से जो है इस फ़ोन ने बोके किया हुआ है। तो ये एक आँख है फ्रेंड की, वो आँख का मैंने मैक्रो मोड में जो है फ़ोटोज़ ली थी और कितना खूबसूरत जो है ये आँख आई हुई है। तो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ जो हैं मैंने इस फ़ोन से लिए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा रिफ्लेक्शन आया है गाड़ी का पानी में, और ये रिफ्लेक्शन जो है फोन ने कैप्चर किया है। आजकल के फोन की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, ये देखिए डिटेल देखिए आप लोग कितनी खूबसूरती से जो है इस फोन ने डिटेल्स कैप्चर करी है। ये मैक्रो मोड नहीं है फिर भी आप देखिए डिटेल्स जो है फोन के हिसाब से बेहतरीन है। देखिए बारिश हो रही थी आज सुबह से, तो मैंने जो है बारिश में इस फ़ोन से काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, और आप देख सकते हैं कि सेल्फ़ी भी अच्छी ही आ जाती है सेल्फ़ी। और देख सकते हैं कि बारिश में भी जो है लाइट कम होती है बारिश में, बट मैक्रो मोड हो या नॉर्मल मोड हो काफ़ी डिटेल्स जो है इस वाले कैमरा फ़ोन से मैंने कैप्चर करी है। तो कोई मुझसे पूछ रहा था इंस्टाग्राम पे कि सर M31S के क्लिक किए हुए फ़ोटोज़ शेयर कीजिए, तो अगर आप देख रहे हो ये सारी पिक्चर जो मैं आज दिखा रहा हूँ वीडियो में, वो सारी जो है M31S से ही क्लिक की हुई है। कनॉट प्लेस है दिल्ली में, वहाँ की फ़ोटो है, सुबह सुबह आई थिंक 8:30 या 9 बज रहे थे तब की, जब बारिश का मौसम बन ही रहा था। ये नाइट मोड में है दोस्तों, नाइट मोड में काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ले लेता है। नाइट मोड की ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो आप देख लीजिए क्लिक करके। नाइट मोड भी बहुत बेहतरीन जो है फ़ोन आजकल के, या M31S की बात करूँ वो क्लिक कर लेता है। ये अगेन कॉफ़ी की तस्वीर है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है ओवरऑल।
तो अगर आप बोके मोड की बात करें तो बोके मोड भी जो है काफ़ी खूबसूरती से क्लिक कर लेता है। और ओवरऑल अगर मैं फ़ोन की बात करूं, नाइट मोड हो, बोके मोड हो या कुछ भी डिफरेंट मोड हो, फ़ोन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पिक्चर्स को क्लिक कर लेता है, प्रोवाइडेड आप कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकें। तो फ़ोन से भी जो है आप काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वाइब्रेंट कलरफुल इमेजेस आप क्लिक कर सकते हैं और डिटेल्ड इमेजेस आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि फ़ोन से आप कुछ भी डिटेल जो है आप क्लिक नहीं कर सकते। ये फ़ोन, ये नोट है, एक बात थाईलैंड का नोट है और इसी चीज़ को मैंने मैक्रो मोड में जब लिया तो आप देख सकते हैं डिटेल्स कितनी खूबसूरती से जो है खिल के आई हुई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको फ़ोन से डिटेल्ड इमेजेस चाहिए, ब्राइट इमेजेस चाहिए और ऐसे इमेजेस चाहिए जो कि अच्छे से अच्छे कैमरा को यू नो कंपटीशन दे सके एज़ फार एज़ शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ कंसर्न। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल DSLR से आप कम्पीट कर सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन से, बट सोशल मीडिया के लिए अगर आप शेयरिंग करना चाहते हैं तो फ़ोन से बेहतर मुझे लगता नहीं है आज कुछ है इस वक्त टेक्नोलॉजी जहाँ तक की बात करूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी लाइट, लाइट किस तरफ से आ रही है, लाइट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइट से मेरा मतलब ये है, ये नहीं है कि सूरज की रोशनी एकदम सब्जेक्ट पे पड़े। सूरज की रोशनी अगर आपको सब्जेक्ट पे एकदम पड़ती है तो उससे जो है आपका फ़ोटो बर्न हो सकता है, उससे आपकी फ़ोटो ओवर एक्सपोज हो सकती है। तो आपको करना ये है कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो एक शेडो वाले जगह पे जाके आप जो है फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, या अगर ओवरकास्ट है मौसम, जैसा कि आज बारिश काफ़ी हुई दिल्ली में, फिर भी मैं बारिश में भी जो है गाड़ी की फ़ोटोज़, दिल्ली की सारी फ़ोटोज़ लेता रहा इस वाले फ़ोन से। वो कैसे, वो ऐसे कि बारिश में और क्लाउडी एनवायरनमेंट में लाइट जो है आपकी छन के आती है, डार्क होता है सारा मौसम, सारा जो लाइट है लेवल्स है वो लो होती है, उसमें आपको करना ये है प्रो मोड में शूट करना है। और प्रो मोड का अगर आपको ट्यूटोरियल नहीं देखा है आपने तो लिंक ऊपर आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए कि प्रो मोड में आपको कैसे क्लिक करना है। तो प्रो मोड आप यूज़ कर सकते हैं अगर लाइट लेवल्स ऑलरेडी कम है, जैसे कि बारिश का मौसम था आज लाइट काफ़ी कम थी तो मैंने M31S को प्रो मोड में डाला और उससे जो है मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ आज जो आपने अभी देखी है बादल के नीचे फ़ोटोज़, बारिश में फ़ोटोज़, वो मैंने प्रो मोड में क्लिक करी है। तीसरी चीज़, एक तो हो गया ब्राइट लाइट अगर आप दिन में शूट कर रहे हैं, सनलाइट डायरेक्टली ना पड़े सब्जेक्ट में। दूसरी चीज़, क्लाउडी अगर मौसम है जैसे आज था दिल्ली में, आप अगर कंपेरेटिवली प्रो मोड में शूट करें, ऑटो मोड में ना शूट करें, तो उससे जो है कंट्रोल आपका फ़ोटोग्राफ में बेहतर रहता है। अगर आपके फ़ोन में प्रो मोड नहीं है तो कोशिश करिए कि क्लाउडी में अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप इस तरह से शूट करें कि लाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपके सब्जेक्ट में पड़े। ऑलरेडी क्लाउडी मौसम है, आप शेड में शूट कर रहे हैं तो उससे आपकी फ़ोटो काफ़ी ग्रेनी आएगी, बिकॉज लाइट लेवल ऑलरेडी कम है जब क्लाउडी मौसम है। उसके बावजूद अगर आप अपने सब्जेक्ट को शेड में ले जाके शूट कर रहे हैं तो उससे जो है लाइट तो काफ़ी ज़्यादा कम हो ही जाएगी। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट, इंसान शूट कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि लाइट किस तरफ से पड़ रही है उनके फेस पे, उनके स्किन को, बिकॉज फ़ोन का सेंसर होता है छोटा तो उससे जो है स्किन टोन, स्किन का जो टोन है, जो कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं अगर आपकी लाइट ठीक तरीके से आपके फेस में नहीं पड़ी। डायरेक्ट धूप में कभी शूट मत कीजिए, अगर इंसान को शूट कर रहे हैं मेक श्योर कि धूप जो है उनके चेहरे पर डायरेक्टली ना पड़े। अगर सूरज इस तरफ से आ रहा है तो सब्जेक्ट को घुमा दीजिए, सूरज को पीछे रहने दीजिए, उनके बालों में जो है सूरज की रोशनी पड़ने दीजिए, एक गोल्डन ग्लो आ जाएगा सूरज का, उसके बाद आप फोटोज़ जो है शूट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि या तो अर्ली मॉर्निंग शूट कीजिए या तो है शाम को शूट कीजिए जब सनसेट हो रहा हो। होता क्या है उससे, होता ये है कि उसको कहते हैं गोल्डन आवर। अब गोल्डन आवर क्यों कहते हैं, बिकॉज सनलाइट जो है उस वक्त ब्यूटीफुल तरीके से गोल्डन कलर की जो है पड़ती है आपके सब्जेक्ट में, उससे अगर आप फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो भी इमेज जो है बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो गोल्डन आवर में शूट करने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो अगर आप रात में शूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली नाइट मोड का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज नाइट मोड जो है 3-4 एक्सपोजर्स लेके एक साथ कंबाइन कर देता है और इट मेक्स श्योर दैट आपका ओवरऑल जो इमेज है वो डिसेंटली डिटेल्ड हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुपर्ब डिटेल्स होंगी, बट ऐसा हो जाएगा कि आप वो इमेज ईजिली सोशल मीडिया पर एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं।
तो मोबाइल फ़ोन से भी जो है आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपया खर्च करके DSLR ही खरीदना है। मैं लास्ट काफ़ी दिनों से, 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा जब से हो गया है M31S से, मैं सारी पिक्चर्स जो आप स्टोरीज़ में इंस्टाग्राम पे यहाँ देख रहे हैं वो मैं इसी से शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का सवाल था कि सर M31S से जो आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं वो डालिए स्टोरीज़ में, ना कि DSLR से शूट करिए। तो दोस्तों, DSLR से शूट की हुई चीज़ मैं स्टोरीज़ में नहीं डाल रहा हूँ 2 हफ्ते से। सिर्फ और सिर्फ इस वाले फ़ोन से जितने भी मैंने पिक्चर्स क्लिक किए हैं वो डाल रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स वाले टैब में जाएंगे तो उसमें भी जो आज की रील आप देख सकते हैं, आज की जो रील मैंने शूट की है स्लो मोशन में, बहुत ही खूबसूरत बारिश की बूंदें गिर रही है, जाके देखिए अभी कभी, वो भी पूरा जो है एडिट और शूट दोनों इसमें किया हुआ है। एडिट किस में किया है? इन शॉर्ट ऐप में। शूट किस में किया है? इसके स्लो मोशन में। अब एडिटिंग कैसे करी है, क्या करना है उसमें एडिटिंग में, वीडियो में, डिफरेंट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस वाले वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कन्फ्यूजिंग नहीं करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन से आप अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते हैं, या कोई रिव्यू कहीं पे कहता है कि कैमरा बकवास है किसी फ़ोन का, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल अप टू द फोटोग्राफर, इट इज़ ऑल अप टू हाउ यू नो लुक एट द लाइट दैट इज़ अवेलेबल। फोटोग्राफी, आप याद रखिएगा, फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट लाइट। अगर आपको लाइट की नॉलेज है ना, अगर आप समझते हो लाइट को देख के, तो आप समझ जाओगे कि आपका सब्जेक्ट जो है किस तरीके से बेस्ट तरीके से आप फ़ोन से भी, एक सिंपल फ़ोन से, M31S तो चलो 20,000 रुपये का फ़ोन हो गया, एक सस्ता सा अगर आपके पास फ़ोन है 5-7-10,000 का, उसके कैमरा से भी आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपको पता है लाइट, आप किस तरह से स्टडी कर सकते हो, आप किस तरह से स्टडी करोगे लाइट को, किताब में जाके स्टडी नहीं कर सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। आपको शूट करते रहना पड़ेगा और शूट करते हुए ही गलतियाँ करिए, आप उन गलतियों से सीखिएगा। ऐसे ही जो है मैंने इतने सालों में फ़ोटोग्राफी सीखी है। गलतियां करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको अगर लगता है कि आप पहले या दूसरे शॉट में ही परफेक्ट बन जाओगे, मास्टरपीस आ जाएगा, तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। उस तरह से आप सीखने का प्रोसेस जो है वो बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में, और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जाइए, शूट कीजिए, गलतियाँ कीजिए, सीखिए, और मुझसे ज़रूर इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, बिकॉज़ मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ फ़ोटोग्राफी सीखने में। फ़ोन फोटोग्राफी हो या DSLR फोटोग्राफी हो, मैं आपकी मदद करने के लिए यहीं पे, राइट यहीं पे बैठा हुआ हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, इस वीडियो को थम्सअप दो, और कमेंट पे मुझे बताओ कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कौन सा फ़ोन का कैमरा आपको सबसे बेहतर लगा है आज तक। मीनवाइल अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, साउंड रहिए, कोविड का टाइम है, बाहर जाते हैं तो ध्यान से जाइए, और मैं आपको मिलूंगा कल एक नए इंटरेस्टिंग, एक और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। धन्यवाद आप सब लोगों का, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद।